हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई में 2018 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। और हम लोग के पास कोड सी है। कोड सी में मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस 31 टू 60 है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रल है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन फाइव एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में होल स्क्वायर है। इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों से साइन फाइव यहाँ कॉस यहाँ साइन स्क्वायर, ये दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस, और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ से कॉस फाइव है तो कॉस स्क्वायर अगर कॉमन लिया जाएगा तो ये बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और पूरा होल एक्सप्रेशन का स्क्वायर, होल एक्सप्रेशन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये है। ओके, अब यहाँ पे ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अगर कॉमन लेते हैं डिनोमेटर से, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ना देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो होल स्क्वायर है होल स्क्वायर अब दोनों में चला जाएगा डी एक्स, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है लिखा हुआ, रहने देंगे इसको इसी तरह। तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये हट जाएगा, ये बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक फार्मूला होता है ना कि सारा एक्सप्रेशन टेन में आ जाएगा, और टेन में आने के बाद टी मान लेंगे टेन को तो सेक स्क्वायर एक्स उठा डी टी बन जाता है। तो इससे यहाँ पे अगर कॉस का पावर सिक्स है, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, कॉस का पावर सिक्स से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे कॉस का पावर सिक्स से, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस टू द पावर सिक्स। अगर यहाँ कॉस टू द पावर सिक्स से डिवाइड देंगे, एक तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा स्क्वायर गया, और एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स टेन स्क्वायर एक्स, और एक और जो कॉस स्क्वायर एक्स है डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो लिखा हुआ ऊपर में ये हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में ये बन जाएगा, अगर कॉस टू द पावर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है होल स्क्वायर इसके इन साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा कॉस टू द पावर थ्री एक्स, और साइन टू द पावर थ्री एक्स बाई कॉस टू द पावर थ्री एक्स, ये बन जाएगा टेन टू द पावर थ्री एक्स, और यहाँ पे प्लस वन का होल स्क्वायर ये एक्सप्रेशन बना है। तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन क्यूब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पे अगर टेन को टी मानेंगे तो ये बन जाएगा डी टी इसका, तो हम लोग क्या करेंगे ना, वन प्लस टेन क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस टेन क्यूब को टी मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टेन क्यूब एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा थ्री, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा थ्री टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अभी जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी, और बाहर में वन बाई थ्री, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा वन बाई थ्री, और टी स्क्वायर है ये ऊपर में जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस टू, और टी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू है ना, तो टी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन बाई थ्री वन बाई टेन क्यूब एक्स प्लस वन,
tan cube x plus 1 plus c, ये तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. इस क्वेश्चन में गिवन है देयर आर tangents are drawn to the hyperbola 4x square minus y square equal to 36 at P and Q. कोई भी दो पॉइंट है, उस दो पॉइंट पर tangent draw किया गया है, और वो दोनों पॉइंट पर tangent किस पॉइंट पर जाके T पॉइंट पर intersect कर रहा है, वो T पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0.3. तो जो ट्रायंगल बनेगा TPQ उसका एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है ये है 4x square minus y square equal to 36. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x square by 9 minus y square by 36 equals to 1. ये हो जाएगा हाइपरबोला की इक्वेशन. तो जब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो इस टाइप से हाइपरबोला बनेगा ना, यहाँ पर बोला बना. तो मान लेते हैं कोई भी दो पॉइंट पर, ये हो गया पॉइंट P एंड ये हो गया पॉइंट Q, और ये पॉइंट है 0.3 जो पॉइंट T है. तो इस पॉइंट पर टेंजेंट मान लेते हैं Q पर, पॉइंट Q पर टेंजेंट है ये, और पॉइंट P पर टेंजेंट है, जो दोनों टेंजेंट पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अप्रोक्स इस टाइप से कर्व बन सकता है डायग्राम इसका. तो हम लोग फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट टी है, इस पॉइंट से हाइपरबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, और जिस पॉइंट पर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों को पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो इसका नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये बन जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 में ये जो x स्क्वायर है ये बन जाता है xx1, और y इसका चेंज हो जाता है xyy1 में, और पॉइंट कौन सा रखते हैं 0.3. तो t इक्वल टू 0 करने से आ जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ जाएगा अब 0 × x/9 माइनस 3 × y/36 इक्वल्स टू 1. ये 0, आ जाएगा 3 × 36 = 12. तो y इक्वल टू माइनस 12. ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू माइनस 12. अच्छा, अब y इक्वल टू माइनस 12 आ गया, तो अच्छा ये जो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेता हूँ M, ये पॉइंट आ गया M. तो इस ट्रायंगल TPQ जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस, मीन्स PQ, और हाइट कितना हो जाएगा TM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट जो है, ये y = -12 है और ये y = 3 है, तो हाइट कितना मिल जाएगा इसका, हाइट हो जाएगा 12 + 3 = 15. तो इस ट्रायंगल का TPQ में, TPQ का हाइट, मीन्स TM, TM मिल गया 15. तो TM मिल गया 15. अब इसका फाइंड करना है बेस का लेंथ. तो बेस का लेंथ फाइंड करने के लिए y = -12 को और हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P मिलेगा. और हाइपरबोला की इक्वेशन ये है x²/9 माइनस y²/36 = 1, और y का वैल्यू -12 यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा x²/9 माइनस y², मीन्स -12 × -12. तो ये हो जाएगा -12 × -12/36 = 1. ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस, 12 से 36 काटेंगे 3 और 3 से 4, तो x²/9 = 4 + 1, 5, x² = 45, तो x = 3√5. जब x = 3√5 है, इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 3√5 − 12, और जो Q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा −3√5 − 12. तो अब बताइए P से Q तक का लेंथ कितना आ जाएगा, 3√5 राइट साइड एंड 3√5 लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 6√5. तो इस ट्रायंगल का, बेस, आ गया 6√5. तो इस ट्रायंगल का अब हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, इस ट्रायंगल का एरिया, कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6√5 एंड हाइट, इसका फाइंड कर लिए ना TM, तो इसका हाइट हो जाएगा 15. तो 2 × 6 थ्री टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 45√5 स्क्वायर यूनिट्स.
तो 45√5 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट 16,16, पॉइंट P है 16,16 ऑन द पैराबोला y² = 16x। ये पैराबोला है y² = 16x, इस पे किसी पॉइंट P पर इसका कोऑर्डिनेट 16,16, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। मींस एक हम लोग बनाते हैं पैराबोला बनाते हैं, तो ये हो जाएगा एक पैराबोला जिसपे किसी पॉइंट, मान लेते हैं सपोज दिस पॉइंट इज 16,16, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो जाएगा नॉर्मल और ये है टेंजेंट। ओके, तो ये जो टेंजेंट है और नॉर्मल है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को ए और बी पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, जो टेंजेंट है वो पॉइंट ए, नॉर्मल जो कट कर रहा है ये पॉइंट हो जाएगा बी, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी। ओके, अब क्या करना है कि PAB से एक सर्कल क्रॉस कर रहा है, मींस एक सर्कल है जो ट्रायंगल PAB का सरकम सर्कल है, उस सरकम सर्कल का सेंटर C है, उस सरकम सर्कल का सेंटर C पहले फाइंड करना है, तो ओके वो सेंटर C हो जाएगा और ये गिवन है कि एंगल CPB थीटा, कहीं पॉइंट C होगा तो CPB एंगल थीटा है, तो tan थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं पॉइंट A का कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट। तो पैराबोला की इक्वेशन है y² = 16x, तो किसी पॉइंट 16,16 P पर, P है पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 16,16, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t = 0, तो t = 0 से उस कर पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा t = 0 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे y² है ना, t = 0 करने से क्या होता है, y² कन्वर्ट हो जाता है y1 में एंड x कन्वर्ट होता है x + x1/2 में, तो ये बन जाएगा 16y = 16x + 16/2, ये बन जाएगा। यहाँ 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2y = x + 16, ये है टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, ये टेंजेंट एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे y = 0 आएगा, y = अगर 0 होगा तो यहाँ से a का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इफ y = 0 देन x = -16, तो ये जो कोऑर्डिनेट है a का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा -16,0। ओके, अब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये आ गया, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/2, तो जब टेंजेंट का स्लोप है 1/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -2, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2, नॉर्मल स्लोप मिल गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो y - 16 = -2x - 16, ये आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, मींस n = 0। तो अब नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, और नॉर्मल का इक्वेशन से पॉइंट बी फाइंड करेंगे, पॉइंट बी कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल के इक्वेशन से y = 0 पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे y = 0 पुट करेंगे, तो -16 = -2x - 16, ये कटेगा, यहाँ बचेगा 8 = x - 16, सो x = 24, तो b का कोऑर्डिनेट मिल गया 24,0, ए और बी का कोऑर्डिनेट मिला। अच्छा, अब बताइए कि एक सर्कल होगा जो ट्रायंगल PAB से क्रॉस करेगा, मींस एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल PAB का सरकम सर्कल होगा, तो उस सरकम सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें सरकम सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट पर। तो देखिए, ये तो टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, मींस ट्रायंगल PAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड द सरकम सेंटर लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, तो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा सर्कल का सेंटर, तो ये है C, तो सर्कल का सेंटर मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो -16,0 और 24,0, इसका मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2, मींस 24 - 16 = 8, 8/2, ये हो जाएगा 4, y कोऑर्डिनेट 0 है ही, तो ये आ जाएगा सर्कल का सेंटर जो C है। अब P से C को ज्वाइन करेंगे और ये एंगल मींस एंगल CPB इज थीटा,
एंगल सी पी बी इज थीटा, तो फाइंड करना है टेन थीटा। तो ये दो लाइन है, एक लाइन है पी सी, एक लाइन है पी बी, ये दो लाइन का बीच का एंगल फाइंड करना है। तो किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन एम टू, तो ये फार्मूला। तो इस फार्मूला में फुट करने के लिए दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो ये एक लाइन जो नॉर्मल है जिसका स्लोप है माइनस टू, जिसका स्लोप है माइनस टू। अब ये दूसरा लाइन है पी सी, इसका स्लोप फाइंड करना, स्लोप ऑफ पी सी, PC का स्लोप फाइंड करना है। तो y2 माइनस y1 में 16 बाई x2 माइनस x1, 16 माइनस 4 में 12, यह आ जाएगा 4 बाई 3, 4 बाई 3 आ गया इसका स्लोप। तो अब हम लोग tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, tan इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 मींस 4 बाई 3 माइनस नेक्स्ट नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस बाई 1 प्लस 4 by 3 into minus 2, ये mod, तो यहां से आ जाएगा 4 by 3 plus 2 means 4 plus 6 by 4 by 3, और ये हो जाएगा 3 minus 8 by 3 का mod, 3 cancel, 6 plus 4, 10, and 3 minus 8 minus 5, तो ये हो जाएगा minus 2, तो minus 2 का mod, माइनस टू का मॉड 2, तो टैन थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि एक क्यूट एंगल लेना है, तो टैन थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, लेट u इज अ वेक्टर इज कोप्लेनर विद द वेक्टर्स a एंड b, एक वेक्टर u है जो a और b का कोप्लेनर है, मींस a और b के प्लेन में है और a पर परपेंडिकुलर है। इफ u इज परपेंडिकुलर टू a एंड u डॉट b इक्वल 24, u का b के साथ डॉट प्रोडक्ट 24 गिवन है, देन फाइंड करना है मॉड u का स्क्वायर। तो वेक्टर u है जिसका मॉड का स्क्वायर फाइंड करना है। तो u एक ऐसा वेक्टर है जो a और b के प्लेन में है और a पर परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि u को किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे वो u वेक्टर a और b के प्लेन में आ जाए और a पर परपेंडिकुलर आ जाए। ओके, देखिए a क्रॉस b का फिर से क्रॉस अगर लेते हैं a से, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो, देखिए a क्रॉस b मतलब इसका आउटपुट क्या देगा, एक ऐसा वेक्टर जो a और b के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मींस a और b के दोनों पर परपेंडिकुलर है, और फिर से इसका अगर क्रॉस लेंगे, फिर से इसका a से क्रॉस लेंगे, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो a b दोनों परपेंडिकुलर है था पहले, और फिर से a से क्रॉस लेंगे तो फिर से a के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो a का जैसे ही परपेंडिकुलर आएगा मींस ये फिर से a और b के प्लेन में आ जाएगा। तो a क्रॉस b क्रॉस a करने से एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो a और b के प्लेन में रहता है और a पर परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा लिखेंगे a क्रॉस b क्रॉस b, तो वो a क्रॉस b क्रॉस b करने से a और b दोनों के प्लेन में आ जाता है और b पर परपेंडिकुलर होता है, जो बाहर रहता है इसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से ये जो वेक्टर u है ये a और b के प्लेन में है और a पर परपेंडिकुलर है। तो एग्जैक्ट इतना तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट इतना, क्योंकि u कोई वेक्टर है। तो इसको सेट करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं लैम्डा। तो वेक्टर u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a, ये हो गया। तो वेक्टर u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इस a को इससे डॉट लेते हैं, b लगाते हैं, ये हो जाएगा a को a के साथ डॉट लेंगे तो a स्क्वायर वेक्टर b माइनस a डॉट b वेक्टर a, ये आ जाएगा ना। ओके, a स्क्वायर मींस a का डॉट लेना है a से, तो a का डॉट लेना है a से, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 13 है 14, 14, और वेक्टर b, वेक्टर b है j प्लस k, ये माइनस। अब a डॉट b, a डॉट b करेंगे तो कितना आ जाएगा, i का नहीं वहां है 0, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, तो 2, और a वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस माइनस k, ये।
तो लेमडा टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा माइनस फोर आई और जे कितना आ जाएगा 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 प्लस 8 जे। अच्छा के कितना आ जाएगा 14K और प्लस 2K, तो प्लस 16K। ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर मिल गया वेक्टर यू मिल गया। अब एक और कंडीशन गिवन है ना जिससे लेमडा एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो एक और कंडीशन क्या है, अच्छा ये जो दो कंडीशन था ना, कोप्लेनर है और ए पर परपेंडिकुलर है, ये तो हो गया दोनों कंडीशन इसमें आ गया। अब एक कंडीशन है कि यू डॉट बी इक्वल 24, मतलब ये जो यू वेक्टर है इसका बी से डॉट लेने पर 24 आना चाहिए। इस यू का बी से अगर डॉट लेते हैं तो -4 लैम्डा आई का कोफिशिएंट और यहाँ बी का कोफिशिएंट, बी के साथ आई का कोफिशिएंट 0 है ना, तो डॉट लेंगे तो डॉट क्या होता है, आई का आई से प्रोडक्ट, जे का जे से प्रोडक्ट, के का के से प्रोडक्ट, ये तो 0 आई से, और जे से अगर प्रोडक्ट लेंगे तो 8 लैम्डा इंटू 1, तो यू डॉट बी ये आ जाएगा 8 × 1 मीन्स 8, और 16 लैम्डा को इंटू करेंगे 1 से तो प्लस 16, और लैम्डा यहाँ भी था लैम्डा यहाँ भी था, ये जो इक्वल है ये इक्वल है 24 का, ये इक्वल है 24 का, तो यहाँ से आ गया 16 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा मींस 24 लैम्डा इक्वल टू 24, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 मिल गया। तो लैम्डा इक्वल टू जैसे ही 1 मिला तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1, तो ये वेक्टर u मिल जाएगा, तो वेक्टर u आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा -4i प्लस 8j प्लस 16k, ये आ जाएगा वेक्टर u। अब वेक्टर u का मॉड का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मॉड का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो मॉड क्या होता है, रूट अंडर i का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 256। ओके, अब ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 64 प्लस 16 तो ये 80 प्लस 256, दिस इज इक्वल टू 80 प्लस 256 336 आंसर। तो u का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा 336 मींस यहाँ पे साइज का डी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो फाइंड करना अल्फा टू दी पावर 101 प्लस बीटा टू दी पावर 107 इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी मीन्स 1 प्लस माइनस रूट डी, डी हो जाएगा माइनस 3 बाई 2a2 मीन्स x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2, तो ये आ जाएगा इसका जो रूट्स है एक आएगा माइनस ओमेगा और एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट है एक आएगा माइनस ओमेगा और एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अल्फा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स बीटा, तो ये दोनों इस इक्वेशन का रूट्स है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107, तो माइनस ओमेगा टू द पावर 101 और माइनस और प्लस माइनस बीटा टू द पावर 107 इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है। तो ये इससे माइनस कॉमन आएगा और इससे ही माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस बाहर एकदम आ जाएगा और ओमेगा टू द पावर 101, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा का प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये दो प्रॉपर्टी होते हैं, तो ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 101 है 101 है, तो यहाँ से 99 तक तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि अच्छा यहाँ से क्लियर कर देंगे कि ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके, और ओमेगा और बीटा टू द पावर, बीटा क्या है, अच्छा बीटा यहाँ लिख दिया ना, बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर आ गया क्योंकि पावर में कितना ऑड है, तो ओमेगा स्क्वायर के पावर में 107 ये हो जाएगा 214, तो ओमेगा टू द पावर 214, ओमेगा टू द पावर 214 है, तो इसको 3 से अगर डिवाइड देंगे तो ओमेगा टू द पावर 213 तक,
213 तक 3 से डिविजिबल है, मीन्स 213 इंटू ओमेगा ये आ जाएगा। अच्छा अब देखिए ओमेगा टू दी पावर 99 तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, और ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू दी पावर 213 तो 3 से डिविजिबल है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा ओमेगा। तो अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी था ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस 1, तो इसका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लेट जी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स एंड अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा और बीटा। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड द लाइन y इक्वल टू 0, इसका एरिया बाउंडेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होगा, मीन्स इस इक्वेशन का रूट्स कितना होगा। तो इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 18 और 9 तो 6 और 3 से ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 6x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस पाई माइनस पाई अगर कॉमन लेंगे 3x माइनस पाई इक्वल टू 0, तो 6x माइनस पाई एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर होगा 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट मिल जाएगा, एक होगा x इक्वल टू पाई बाई 6 और एक x इक्वल टू पाई बाई 3। तो अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये दोनों में से जो लेस होगा वो लेस ये है तो ये हो जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा बीटा, तो अल्फा बीटा मिल गया। ओके अब हम लोग फाइंड करना है फंक्शन जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स का मतलब हो गया जी इसके अंदर में एफ एक्स, जी एफ एक्स का वैल्यू है रूट एक्स और जी एक्स का वैल्यू है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जी रूट एक्स का वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस ऑफ एक्स। तो हम लोग को फाइंड करना है एरिया बाउंडेड y इक्वल टू कॉस एक्स और कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ये है x इक्वल टू पाई बाई 6 और नेक्स्ट पाई बाई 3 और ये है x इक्वल टू पाई बाई 3। तो y इक्वल टू जी ओ एफ एक्स ये कर्व है कॉस एक्स, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड y इक्वल टू 0 ये लाइन है, मीन्स हम लोग को एरिया फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है। और ये एरिया कैसे मिलेगा, एरिया बाउंडेड मीन्स इंटीग्रेशन का हेल्प से, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ऑफ कॉस x dx। तो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, साइन x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 6 आ जाएगा 1/2, सो दिस इज रूट 3 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है x प्लस रूट अंडर x क्यू माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस x माइनस रूट अंडर x क्यू माइनस 1 टू द पावर 5। इस एक्सपेंशन का जो ऑड डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट्स का सम फाइंड करना है। तो एक्चुअली में ये है a प्लस बी टू दी पावर 5 और ये है a माइनस बी टू दी पावर 5, तो a प्लस बी टू दी पावर 5 प्लस a माइनस बी टू दी पावर 5 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसको अगर एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी टू दी पावर 5 तो ये कितना होता है, इसमें सारे टर्म प्लस होते हैं और इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट होते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें जो नेगेटिव टर्म है वो इसके पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कौन कौन सा टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, थर्ड टर्म बचेगा, फिफ्थ टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, थर्ड टर्म बचेगा और फिफ्थ टर्म बचेगा। और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म है मीन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए a प्लस बी, अगर यहाँ से एक लिख देते हैं ना, a प्लस बी टू दी पावर
प्लस बी टू द पावर 5 प्लस ए माइनस बी टू द पावर 5। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए प्लस बी टू द 5 का एक्सपेंशन ये और ए माइनस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, मींस इसके साथ ये कैंसिल होगा, इस टर्म के साथ ये कैंसिल होगा और इस टर्म के साथ ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, टू टाइम्स ऑफ, यहाँ बचेगा टू टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 5 और प्लस 5c2 ए 3b² और प्लस 5c4 ए बी टू द पावर 4, यही तीन टर्म बचेगा, बाकी तीन टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है x और b का वैल्यू है x³ - 1 का अंडर रूट। तो ए और b का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, एक ए टू द पावर 5 मीन्स x टू द पावर 5 प्लस 5c2 आ जाएगा 10, a का 3 मतलब x टू द पावर 3, b² जो अंडर रूट है स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा और 5c4 आ जाएगा 5, a मीन्स x, b4 मीन्स x³ - 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। और यहाँ से x टू द पावर 5 प्लस और ये आ जाएगा 10, x इंटू करेंगे तो 10x⁵ माइनस 10x³। ओके यहाँ से आ जाएगा x⁶ माइनस 10x³ प्लस अब ये आ जाएगा 5x और x²-1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे x⁶ माइनस 2x³ प्लस 1, ये तो टू टाइम्स ऑफ ये बचेगा x⁵ प्लस 10x⁶ माइनस 10x³ प्लस इसको इंटू करेंगे प्लस 5x⁷ माइनस 10x⁴ प्लस 5x, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से सारे x का टर्म को सारे इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 10x⁶ और प्लस 5x⁷ x⁷ और ये x⁵ सिंगल है x⁵ और माइनस 10x⁴ और माइनस 10x³ प्लस 5x, या गया ना। और हम लोग को फाइंड करना है कि ऑड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का सम। देखिए ऑड डिग्री टर्म कहाँ कहाँ है, यहाँ है ये है और ये है, इसके कोफिशिएंट का सम। देखिए कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा 5, तो 5 प्लस 1 6 और माइनस 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा प्लस वन इंटू बाहर में 2 है तो ऑड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का सम आ जाएगा 2। और ये आंसर है कि ऑड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का सम फाइंड करना था। तो ये 6 है इवन डिग्री टर्म, 4 है इवन डिग्री टर्म, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑड डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट सम आ जाएगा 2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इलेट a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू a49 बी इन एपी। ये कुछ टर्म्स हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट a49, ये एपी में है और ये गिवन है कि समेशन ऑफ a4k+1 समेशन ऑफ a4k+1 वेर k इक्वल टू 0 to 12 इज 416 मीन्स a1 प्लस a5 प्लस a9 प्लस a13, इसका समेशन कितना टर्म का, k इक्वल टू 0 से 12 तक मीन 13 टर्म का समेशन है 416 एंड a9 प्लस a43 इक्वल टू 66 मीन्स 9th टर्म एंड 43rd टर्म का समेशन है 66, देन फाइंड द एंड a1² प्लस a2² अप टू a17² का वैल्यू है 140m, तो m का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है कि ये AP में है, ठीक है AP में है, फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लेते हैं कि d है, ओके d कॉमन डिफरेंस है। अब ये गिवन है कि 4k+1 फॉर्म में जो टर्म है मींस फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 9th टर्म, 13th टर्म, कितना टर्म तक, टोटल 13 टर्म्स है, इसका समेशन 416 है। तो इसका समेशन लिखते हैं, ये है a1 प्लस a5 प्लस a9 प्लस अप टू 13 टर्म्स इक्वल टू 416, 13 टर्म का समेशन है 416, तो इसका समेशन 13 टर्म है तो समेशन कितना हो जाएगा 13/2 2a1 प्लस 13-1। अब देखिए d कितना आ जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 4d, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म में कितना डिफरेंस आ, कॉमन डिफरेंस 4d आ जाएगा ना। तो ये जो ap बन रहा है, ये जो ap है, इसका कॉमन डिफरेंस 4d हो जाएगा, तो 4 into
4D which is equal to 416. Okay, 416. Okay, तो अगर 2 से इंटू करेंगे तो 13A1 और यहाँ से आज कितना आ जाएगा 12 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 और 13 इंटू 6 इंटू 4 ये हो जाएगा. तो 13 से अगर देखेंगे तो 13 इंटू और यहाँ 12 यहाँ 12 से 2 कटेगा 6 और 6 4 24 इंटू डी विच इज इक्वल टू 416. तो यहाँ से इक्वेशन आ रहा था 13 से ये कटेगा क्या 13 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा a1 plus 24d इक्वल टू आ जाएगा 3 and 3 to 32. ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. इक्वेशन मान लेते हैं इसको कि a1 मतलब फर्स्ट टर्म और d में एक इक्वेशन आया. ओके अब ये गिवन है कि a9 plus a43 equal to 66. तो a9 को लिखेंगे a1 plus 8d and a43 को लिखेंगे a1 plus 42d which is equal to 66. ओके तो ये आ जाएगा 2a1 plus 50d. तो 2a1 means a1 plus 25d equal to 33. ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन. 2 से दोनों साइड कैंसिल कर दिया. अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, a1 और d का वैल्यू फाइंड करना है. देखिए सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 कैंसिल, 25d माइनस 24d कितना बचेगा d, d इक्वल टू 33 माइनस 32 1. तो d इक्वल टू आ जाएगा 1 और d इक्वल टू 1 अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे d इक्वल टू 1 तो a1 मिल जाएगा 32 माइनस 24 a1 आ जाएगा 8. देखिए a1 मिल गया और d मिल गया, ये दोनों का काम खत्म. अब ये बचा कि सबका स्क्वायर का समेशन है 140m, तो m का वैल्यू फाइंड करना है. तो सबका स्क्वायर का समेशन है तो इसमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट a17 स्क्वायर, 17 टर्म है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे rth टर्म फाइंड करेंगे, rth टर्म. तो r टर्म क्या आ जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, क्या आ जाएगा a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी. a1 कितना है हम लोग पास, a1 है 8. ओके a1 है 8 प्लस r माइनस 1 और d का वैल्यू है 1. तो ये बन गया 7 प्लस r, ar है 7 प्लस r. अब इसका समेशन गिवन है कि समेशन ऑफ ar वेयर r इक्वल टू 1 टू 17 इक्वल टू 140m है, ये गिवन है. तो ar का वैल्यू हम रखेंगे 7 प्लस r का स्क्वायर का समेशन इक्वल टू 140m. 7 प्लस r का समेशन स्क्वायर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे r स्क्वायर प्लस 14r प्लस 49 और ये आ जाएगा समेशन 1 टू 17 विच इज इक्वल टू 140m. तो r स्क्वायर का समेशन कितना आ जाएगा n, अगर n लेते हैं चलिए यहाँ 17 है तो 17 प्लस 1 18 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है ना n स्क्वायर का समेशन, और n कितना यहाँ पे 17. तो 17 इंटू 18 इंटू और 2n प्लस 1 मीन्स 35 बाई 6 प्लस 14 इंटू, अब r का समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 मीन्स 17 इंटू 18 बाई 2 और 49 इंटू 17 इक्वल टू 140 इक्वल टू 140m है, m का वैल्यू फाइंड करना है. ओके तो यहाँ से 6 3 जा 18 तो ओके और यहाँ से 17 कॉमन लेते हैं, 17 से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 35 इंटू 3 105 प्लस 2 से इसको कट करेंगे आ जाएगा 7 और 17 कॉमन लिए तो 18 और 7 126 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 140m. ओके अब यहाँ 17 इंटू और ये तीनों का समेशन करते हैं, ये तीनों का समेशन तो 9 6 15 5 20 0 2 4 2 6 2 8 8 1 1 2 ये आ जाएगा 280. ओके सही है, हाँ सही है 280. तो 280 इक्वल टू 140m. देखिए 140 से 2 टाइम्स में 280 कटेगा
तो m का वैल्यू आ जाएगा 34, m का वैल्यू 34, तो m इक्वल टू आ जाएगा 34, ये आंसर। यहाँ तीन कंडीशन गिवन था, एक ये कंडीशन जिससे एक इक्वेशन आया फर्स्ट, सेकंड कंडीशन जिससे सेकंड इक्वेशन आया, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए वन और डी मिल गया। ए वन और डी थर्ड कंडीशन अप्लाई किए, इसका समेशन फाइंड किए, तो एम का वैल्यू 34 आ गया, इसका एम का वैल्यू है 34 आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन में xi माइनस 5 का समेशन है और i बिलोंग टू 1 टू 9, xi माइनस 5 का समेशन है 9, xi माइनस 5 का समेशन है 9 एंड xi माइनस 5 का होल स्क्वायर और i है 1 टू 9, इसका समेशन 45। तो हम लोग को ये जो 9 आइटम्स है मींस x1 x2 x3 x4 डॉट 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 अप टू x9, इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये है फर्स्ट कंडीशन, समेशन ऑफ xi माइनस समेशन ऑफ 5 इक्वल टू 9, ऐसा लिख सकते हैं, और i का वैल्यू 1 टू 9, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi 1 टू 9 माइनस, और 5 कांस्टेंट है ना, बगल में करेंगे, और यहाँ 1 और 1 का समेशन 1 टू 9 कितना आ जाएगा 9, तो 9 इंटू 5 ये बन जाएगा 45 इक्वल टू 9, तो समेशन ऑफ xi मिल गया 45 प्लस 9 54, xi का समेशन मिल गया 54। ओके, और ये जो सेकंड कंडीशन है, इस सेकंड कंडीशन से फाइंड करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये समेशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45 है, तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस 10 इंटू समेशन ऑफ xi प्लस समेशन ऑफ 25 इक्वल टू 45, 1 टू 9, ओके तो अभी आ जाएगा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर 1 टू 9 माइनस, इसको लिखेंगे 10 इंटू और समेशन ऑफ xi 54 प्लस ये 25 इंटू 9 इक्वल टू 45, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर कितना मिलेगा देखिए, तो ये आ जाएगा 540, इधर चला जाएगा 540 प्लस में, 540 प्लस में प्लस 45 माइनस 250 इंटू 9 225, तो 540 प्लस 585 में से 225 माइनस करेंगे तो बचेगा 260। ओके, ये हो जाएगा अच्छा 585 माइनस 225, तो 25 कटेगा तो यहाँ 60 बचेगा, तो ये हो जाएगा अच्छा 5 360। देखिए समेशन ऑफ xi स्क्वायर मिल गया 360, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर और वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ xi बाई n, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन ऑफ xi बाई n का स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए xi स्क्वायर का समेशन कितना है 360 और n का वैल्यू कितना है हम लोग पास 9, क्योंकि 9 टर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो 360 बाई 9 माइनस और ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi बाई n, समेशन ऑफ xi कितना आ गया 54, तो 54 बाई n मतलब 9 का होल स्क्वायर, सॉरी 54 बाई 9 का होल स्क्वायर, तो 360 बाई 9 कितना आ जाएगा, ये 40 ना, ये आ जाएगा 40 माइनस और ये 54 बाई 9 6 स्क्वायर 36, तो रूट अंडर 4 मीन्स 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन में PQR इज अ ट्रायंगुलर पार्क, PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है, इस ट्रायंगुलर पार्क में इस तरह से है कि PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 200 मीटर, PQ का लेंथ और PR का लेंथ 200 मीटर है, ए टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, एक टीवी टावर है जो QR के मिड पॉइंट पर स्टैंड कर रहा है और तीनों पॉइंट PQR से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उस टावर का हाइट फाइंड करना है, ओके उस टावर का हाइट फाइंड करना है, तो एक हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम है कि PQR एक ट्रायंगल है, चलिए एक PQR ट्रायंगल बना लिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, PQR ट्रायंगुलर पार्क है और QR का मिड पॉइंट, और इस तरह से कि ये भी 200 मीटर ये भी दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है,
और QR के मिड पॉइंट पर, QR के मिड पॉइंट पर एक टावर स्टैंड कर रहा है, QR के मिड पॉइंट पर एक टावर स्टैंड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, ये हम लोग थोड़ा सा 3D फिगर नहीं बना सकते हैं ना, तो एक एजम्पशन कर लेते हैं कि ये एक टावर है। ओके, ये एक टावर है, तो ये टावर का हाइट है h। तो तीनों पॉइंट से Q से, P से और R से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो P है वो पहले है, P से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, तो P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। ओके, और Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, और R से एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं M, और टावर का जो टॉप है ये मान लेते हैं N। तो इस फिगर में PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये MN एक टावर है, और तीनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो ओके, अब हम लोग ये टावर का हाइट को h अज्यूम कर लेते हैं, टावर का जो हाइट है उसको अज्यूम कर लेते हैं h। तो इन ट्रायंगल MNQ, इन ट्रायंगल MNQ ये tan 30 है, तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू h बाई क्यू एम, tan 30 इक्वल टू h बाई क्यू एम। तो यहाँ से क्यू एम यहाँ से मिल गया, क्यू एम इक्वल टू रूट थ्री एच, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितना होता है, रूट वन में रूट थ्री, तो रूट थ्री एच मिल गया, ये हो गया इक्वेशन वन। ओके, अब हम लोग सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एम पी एन, सेकेंड ट्रायंगल एम पी एन, इसमें इस ट्रायंगल में tan 45, तो tan 45 डिग्री आ जाएगा, एम एन मीन्स एच, एच बाई पी एम, तो पी एम इक्वल टू एच, यहाँ से आ गया सेकेंड इक्वेशन, पी एम मतलब पी से एम का डिस्टेंस आ जाएगा h। अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQM, अच्छा ये देखिए PQR जो ट्रायंगल है, PQR जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस में ये जो मेडियन होता है, मेडियन वही परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एल्टीट्यूड भी होता है वही, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, मीन्स ये जो लाइन है पी एम ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है। तो अब ट्रायंगल पी एम क्यू में पी एम क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना हाइपोटेन्यूज से, तो 200 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर, और क्यू एम का वैल्यू कितना है रूट थ्री एच, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर, ये लगा दिए हाइपोटेन्यूज, तो दिस विल बी 4h स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 10,000, so 4 cancel, h square equal to 10,000, so h equal to 100 meter, यही है टावर का हाइट, तो टावर का हाइट हो गया 100 meter।